क्लास फिफ्थ चैप्टर थर्ड वेदर एंड क्लाइमेट। इन दिस चैप्टर फर्स्ट टू पेज वी हैव डिस्कस लास्ट थ्री डेज एंड लास्ट हेडिंग वी हैव डिस्कस्ड दैट हेडिंग नेम डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड टुडे वी विल डिस्कस, दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि जो विंड का डायरेक्शन होता है, हवा की जो दिशा होती है, उससे भी क्लाइमेट इफेक्ट करता है। द विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। विंड कमिंग फ्रॉम हॉट एरियाज इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड विंड कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन दिस विल लोअर द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। अगर विंड वो जो है इंक्रीज है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हवा तेज चल रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और हवा अगर कोल्ड रीजन में ये विंड चल रही है तो वहाँ टेम्परेचर घटेगा। द विंड्स मे आल्सो ब्रिंग मॉइस्चर। विंड के कारण मॉइस्चर भी होता है। दे आर कॉल्ड रेन वेयरिंग विंड्स। ऐसे विंड को रेन वेयरिंग विंड्स कहा जाता है, जो कि नमी होती है, पानी की बूंदें होती हैं, उसको रेन वेयरिंग विंड्स कहा जाता है। विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी। विंड जो आती है ये अरेबियन सी से आती है, और इंडियन ओशियन एंड वे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन टू द इंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। विंड जो चलती है वो अरेबियन सी से चलती है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड वे ऑफ बंगाल से, और इसके बाद फिर जो है रेन, बरसात होती है पूरे कंट्री में। मासिनराम इन मेघालय गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। इंडिया का एक स्टेट है मेघालय, जहाँ पे की एक प्लेस है मासिनराम, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की सबसे अधिक बारिश होती है। अर्लियर इट वॉज चेरापूंजी ऑफ द सेम स्टेट इन इंडिया विद दिस रिकॉर्ड ऑफ सेवरल ईयर्स। मासिनराम के पहले चेरापूंजी जो एरिया था, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की सबसे अधिक बारिश होती थी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक बारिश मासिनराम मेघालय में होती है। अब है ह्यूमिडिटी, फिफ्थ पॉइंट है ह्यूमिडिटी, जिसके कारण भी क्लाइमेट इफेक्ट करता है, यानी कि जलवायु जिसके कारण भी इफेक्ट करती है वो है ह्यूमिडिटी, फिफ्थ हेडिंग। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नमी, पानी की बूंदें, ह्यूमिडिटी का मतलब जो वातावरण में नमी होती है वो कैसी होती है। द विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी ब्रिंगिंग ए लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड मेक द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज वेरी ह्यूमिड। जो विंड, जो हवा समुद्र की तरफ से चलती है, वो बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है, बहुत सारी नमी लेकर के आती है, और वो कोस्टल एरिया यानी समुद्र तटीय एरिया में काफ़ी नमी पैदा करती है। नेक्स्ट है ओशियन करेंट्स। दीज आर फ्लो ऑफ द वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर। दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एज दीज करेंट्स मे बी कोल्ड और वार्म। ये दीज आर फ्लो ऑफ वाटर, ये वाटर का फ्लो जो होता है बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन वाटर पर जो फ्लो होता है वाटर का वो होता है, इसके कारण भी क्लाइमेट पर इफेक्ट करता है। ये जो समुद्र की जलधाराएं, इसको ओशियनिक करंट कहा जाता है, ओशियन करंट कहते हैं समुद्र की जलधाराओं को। ये कोल्ड भी हो सकती है और वार्म यानी गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी है समुद्र की जलधाराएं, ये ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल द गल्फ ऑफ स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्लो टूवर्ड द आर्कटिक ओशियन। गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है ये जलधारा है, समुद्र की जलधारा है, ये स्टार्ट होकर के स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको से स्टार्ट होती है और आर्कटिक ओशियन तक जाती है। एज ए रिजल्ट मर मानस्क हैज़ बिकम एन आइस फ्री पोर्ट थ्रू आउट द ईयर। इसलिए मर मानस जो है ये पे आइस फ्री पोर्ट होता है।